अस्सलाम वालेकुम, हेलो होला, नमस्ते, मरहबा, बोजू, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इंतहाई जायकेदार, मज़ेदार बनने वाली स्पाइसी किस्म की और बहुत ही टेस्टी बनने वाली आलू की कतलियों की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए सबसे पहले हमने एक ऑनियन ले लेना है बड़े साइज़ का और इसको काट लेना है, और चॉप कर सकते हैं या इतना बारीक चॉप आपने नहीं करना कि इसका जूस सा बनने लग जाए, बस इसको चॉप कर लें लेकिन थोड़ा बड़ा। टमाटर हमने दो ले लिए हैं, अच्छे खासे बड़े साइज़ के हैं, और उनको हमने ग्राइंड कर लिया है, और आलूओं को हमने बिल्कुल स्लाइस में गोल काट लिया है। ये हमारे पास सारी चीज़ें इस वक्त तैयार हैं। हरी मिर्चें हमने काट के रख ली हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और ज़ीरा इसमें जाएगा। सबसे पहले 4 टेबल स्पून हमने ले लिया है ऑयल, और इस ऑयल के अंदर हम डालेंगे ऑनियन को, ताकि ऑनियन जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और गल सा जाए। उसको हमने जैसे ट्रांसपेरेंट सा कर लेना है, ब्राउन नहीं करना। इस तरह से हम इसमें अब चम्मच चलाएंगे। इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा इस स्टेज पे हम इसलिए शामिल करेंगे कि ज़ीरे का जो है ना वो एक किस्म का तड़का सा तैयार हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा वो ऑयल में तल जाएगा, भुन जाएगा, तो उसकी बहुत खूबसूरत अरोमा और टेस्ट जो है वो ऑयल के अंदर और प्याज़ों के साथ शामिल हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। उसका जो फुल फ्लेवर है ना वही हमें चाहिए। और थोड़ा सा हिलाने मिलाने के बाद हम इसमें आलू डालकर हल्के हल्के से इनको फ्राई करेंगे। और आलूओं को अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो फिर आप कम ऑयल इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास सिल्वर का या कोई और बर्तन है तो फिर आपको ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि इन आलूओं को ज़्यादातर हमने बाद में भाप में और पहले जो है हमने तल कर ही गलाना है। इस स्टेज पर आकर जब आलू अच्छे तरह हमारे आधे से ज़्यादा गल गए हैं तलते हुए, इसमें फ्राई करते हुए, तो तमाम ड्राई स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये स्टेज जो है ये बहुत मज़े की, यहाँ पर भी अगर आपके आलू कई एक ज़ीरा आलू है जो मैं तैयार करती हूँ, बस यहाँ पर इसको रोक दें ये प्रोसेस, आलू गल जाएँ तो वो ज़ीरा आलू तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम इससे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार आलू की कतलियाँ बना रहे हैं। यहाँ पर हरी मिर्ची हमने इसमें ऐड कर दी और दम दे दिया कि मुकम्मल तौर पर आलू गल जाएँ, मुकम्मल तौर पर गल जाएं। और फिर उसके बाद हल्की सी गुंजाइश थी तो उस वक्त हमने इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इस पे ढक्कन नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, बस इसको हिलाते रहना है, हिलाते मिलाते रहना इसी तरह। और जैसे ही जो है ना टमाटर हमारे जो हमने पेस्ट इसमें डाला है वो गल जाए तो आपके आलू की कतलियाँ बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़, चाओ।